शर्वन् Allah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرجان الحميد بقلب سليم फाउमूला सलीम सदी मेरे बुजुर्ग दोस्तों मैं आज आपके सामने में दिल के बारे में बताऊँगा आप जान के हैरान हो जाएंगे कि दिल का कितना अहमियत है इस्लाम में दिल का बहुत बड़ा अहमियत है क्योंकि दिल हम अगर आपको समझाएंगे मेमोरी कार्ड के साथ तो आपको समझ में आएगा जैसे एक बड़ा मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड होता है और उस मेमोरी कार्ड में सब कुछ होता है वीडियो होता है फ़ोटो होता है दूसरा डॉक्यूमेंट होता है तो वैसा ही दिल जो दिल है उसमें क्या होता है ईमान होता है या कुफोर होता है शर्क होता है या तोहेद होता है बेदात होता है या सुन्नत होता है ये सब कुछ होता है दिल में इसलिए दिल को जिसम का बादशाह बोला जाता है जिसम का बादशाह दिल है और तमाम आजा, अंग प्रत्यंग उसका फौज है दिल जो बोलेगा तमाम आजा वही करेगा ठीक है इसलिए अल्लाह ताला इस आयत में फरमाता है मला मालू माल बानून उस दिन फायदा नहीं देगा माल माल वाला बानून आओ ना औलाद उस दिन से मुराद क्या मक के दिन क्या के दिन आपको औलाद भी फ़ायदा नहीं देंगे आओ माल सबसे बात तो यह है क्या मौत के दिन आपके पास माल होगा ही नहीं आपके पास औलाद होगा ही नहीं दुनिया की तरह फिर भी अगर मान लिया जाए कि आपके पास बहुत से माल होगा बहुत सा औलाद आपका होगा मगर फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा ये औलाद और माल तो क्या फ़ायदा देंगे आपको अल्लाह फर्बतः इलाम्हबलबी सलीम मगर जो आदमी अल्लाह के पास उस दिन बे आयब दिल लेकर आएंगे बे दिल से मुराद ऐसा दिल जिसमें कोई आयब ना हो और यह आयब कोई एक नहीं है बहुत से जिस दिल में फसाद होगा किना होगा तकबर होगा जलन होगा आपका अच्छा खाना पीना मैं नहीं देख सकता मुझे जलन होता है अगर ऐसा है तो मेरा दिल बेयब दिल नहीं है आए वाला दिल है ठीक है तो क्या मौत के दिन जो आदमी बे दिल लेकर आएंगे वही शराब फ़ायदा हासिल होगा उसको अल्लाह की तरफ से फ़ायदा से मुरा शरफ़ और शरफ़ नाजात जहां नाम की आग से नाजात और जन्नत में जाना ये फायदा अगर चाहते हो तो बे दिल लेकर हाजिर होना पड़ेगा आपको अब तो मैं शुरू किया बहुत से बात बताएंगे, और एक जुमा में नहीं होगा कम से कम तीन चार जुमा लग जाएगा इस बारे में अगर बात हूँ मैं मारे तो आप, आपके सामने में हादिस रखा ए, कुरान के आयात है ये कुरान की आयात अल्लाह की फरमान है ये, आप रसूल सल्लम की फरमान भी सुन लीजिए अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं दिल के बारे में

वहदा फसदत और अगर वो खून का लोतड़ा बिगड़ जाए फसदत जासदकुल्ल हो तो तमाम बदन बिगाड़ जाता है ये। अला वाहिअलबर सुनो वो है दिल अगर आपका दिल सही है सलामत है तो आपका तमाम बदन सही सलामत रहेगा क्योंकि अगर दिल के अंदर आपका दिल अगर बुरा हो जाए तो उस आपका तमाम अंग से तमाम आजा से बुराई निकलेंगे अगर दिल बुरा हो जाए अगर दिल की सोच बुरी हो जाए आपका दिल से बुरी सोच निकलते हैं भलाई नहीं आपके दिल में तो वो बुरी सोच कहाँ से निक... उसके जाहिर कहाँ से होगा हाथ हो से होगा पैर से होगा आँखों से होगा मुंह से होगा आपके हर अज़ा से बुरी सुस्त का नतीजा निकालना शुरू हो जाएगा वो कैसे जब मेरा दिल खराब होगा मैं खराब सोचूंगा आपके बारे में सबके बारे में तो खराब बोलूंगा आपके बारे में सबके बारे में है और मैं सुनना चाहूँगा क्योंकि मेरा दिल खराब है ना इसलिए मैं सुनना चाहूँगा सब मैं अकेला खाओ तुमको खाने नहीं दूंगा ऐसा सोच ऐसा फिक्र हो जाएगा अगर दिल खराब हो ठीक है इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है अगर दिल अच्छा है दिल अगर अच्छा है तो तमाम बदन अच्छा होगा आपका सोच अच्छा हो जाएगा अगर दिल खराब है अगर दिल अच्छा है तो अच्छा होगा अगर खराब है तो सोच भी खराब होगा तो मेरे दोस्तों यह बुखारी के हादि है बुल में है यह हदीस तो इस इस हदीस के शुरू में जिक्र किया गया है यकीनी तौर पर इस हदीस के शुरू में और कुछ बात है मैं वो भी बता दूँ आपको वो क्या है वो यह है कि हलाल भी वाजह है हराम भी वजह है और उसके दरमियान में कुछ है उम्र मुशतबा मुशतबा उम्र अगर है जो जिसके बारे में आप वाकिफ नहीं हैं वाकिफ़ नहीं है, है। मुशतबा उमर किसको बोलता है ऐसा कोई काम जो शौक़ वाला हो यानी ये हलाल है या हराम है आपको पता नहीं है आप इसके बारे में वाकिफ़ नहीं हैं तो इसके बारे में हुक्म क्या है कि आप इससे दूर रहो अगर दूर रहोगे तो तुम अपने ईमान को बचा लोगे और हराम में गिरने से बच जाओगे और ये तो अभी हो सकता है जब आपका दिल अच्छा होगा जिसका दिल अच्छा है ना वही ऐसा चीज़ों से बच सकता है और जिसके दिल में अच्छा होने से मुराद आपके दिल में अल्लाह का खौफ हो शरीयत की ताबेदारी करने का इरादा हो कि माय, कभी भी, भी ख़्वाहिशत पर नहीं चलेंगे शरीयत के मुताबिक चलेंगे अल्लाह रसूल के जो हुकुम है वो हम फॉलो करेंगे अल्लाह रसूल जो बोलेंगे हम वो मानेंगे लिहाजा मानते हुए हम क्या करेंगे इन चीज़ों से बचेंगे ऐसा अगर आपका दिल अच्छा है तो अभी आप उससे बच सकते हैं अगर ऐसा नहीं है तो आप हराम में गिरने का अंदेशा है मेरे बोस् दुस्त दोस्तों तो ये बात है मेरे दोस्तों बात यह है कि दिल जो है ना ईमान का माहौल है ईमान का जाएगा है तमाम बदन में दिल एक ऐसा ही जागा है जिसमें ईमान रहते हैं जिसका अंदर ईमान रहते ईमान रहने का दूसरा कोई जाएगा नहीं है आपके बदन में इसलिए बहुत बड़ा अहमियत है ये दिल का बहुत बड़ा अहमियत है अल्लाह ताला अब मैं दूती रायत पेश करेंगे आपके सामने में जिससे पता चलेगा कि दिल क्या है ईमान का जायगा है अल्लाह ताला दिल के अंदर ईमान रख देते हैं और ईमान अल्लाह की तोफ़ी से मिलता है अल्लाह की तोफ़िक से मिलता है और अल्लाह ताला ईमान उसी आदमी को देंगे जो अल्लाह ताला की हुक्म पर कायम रहेंगे और उसको हुक्मकाम पालन करेंगे तो अल्लाह ताला उसको हिदायत देते है उसको ईमान सही ईमान ईमान की मोहब्बत सब दे देते हैं जैसे अल्लाह अल्लाह कर्मत और हकबबा इम ईमाना वनाफी कुल लेकिन अल्लाह ताला ने ईमान को तुम्हारे लिए महबूबा ना दिया और तुम्हारे दिलों को मुजैन कर दिया ईमान से मुजैन कर दिया ईमान यानी तुम्हारे दिल को खूबसूरत बना दिया ईमान से मेरे दोस्तों तो ईमान कितना बेहतरीन चीज़ है देखिए ईमान से दिल मुजायन किया जाता है खूबसूरत बनाया जाता है और ये काम कौन करता है अल्लाह ताला करता है अल्लाह तब्र ताला ये काम करता है दूसरा कोई नहीं कर सकता किसी के हाथ में हदायत नहीं है कि आपके दिल में हदायत भर दे ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह करते हैं तो इससे क्या पता चला कि ईमान दिल में रहते हैं और अल्लाह ताला दिल में ईमान डाल देते हैं ये अल्लाह का काम है और दूसरा तब मैं पेश करेंगे उसमें भी इससे पता चलेगा कि ईमान का माहौल ईमान का जगह कहाँ है दिल है जैसे अल्लाह फरमत है कौल दिल आ रहा देहाती आके बोला क्या मैंने ईमान लाया है बोल लाम तो मीनू नबी नबीसलम आप बोल दो उसको बोल दो क्या बोल दो क्या तुम ईमान नहीं लाए हो बला किन भूल असलम ना मगर ये बोल सकते हो कि मैं मुसलमान हुआ हूँ ये मत बोलो कि मैं ईमानदार हो गया ये मत बोलो क्यों आप ईमान ईमान में और इस्लाम में क्या फर्क है इस्लाम मुसलमान के माना है कैसे फॉलोअर की नकल उतरना मैं आपको फॉलो करता हूँ आप जो करते हैं मैं वही करता हूँ ठीक है मुसलमान क्या करते हैं तावा मुसलमान जो करते हैं आले मौल जो करते हैं हम लोग भी वही करते हैं ठीक है आले मौलाना नमाज़ पढ़ते हैं हम भी नमाज़ पढ़ते हैं रोजा रखते है, आले मौलाना हाँ हम भी रोज़ा रखते हैं ठीक है आलि मौलाना जिक्र करते हैं हम भी जिक्र करते हैं सारे अच्छे काम करते हैं ये इसको मुसलमान बोलते हैं आप मुसलमान मगर ईमान किसको बोलता है अल्लाह ताला क्या फरमत है कि मुसलमान मदीना के मुसलमान जो करते हैं तुम भी वही करते हो रही तुम मुसलमान हो ईमानदार नहीं क्यों वाल मै याद खुली ईमान अभी तक तुम्हारे दिल में ईमान दाखिल नहीं हुआ यानी ईमान नाम है कुछ चीज़ों को यकीन करने का जैसे अल्लाह के ज़ात पर यकीन करना आखिरत पर यक़ीन करना जान पर यकन करना जहन नाम पर यीन करना है इन चीज़ों पर यकन करने का नाम है ईमान लेकिन तुम आप दिलों से यकिन तुम्हारा नहीं आ रहा है थोड़ा सा शौक पैदा होता है तो वो कब होगा ठीक है तुम आप मुसलमान के साथ रहो उनके साथ मिलो वो जो करे करो इनशाला आहिस्ता आहस्ता तुम्हारा दिल में क्या करेगा वो ईमान भी दाखिल कर देगा तो इस आयत से भी ये पता चलता है कि ईमान कहाँ रहता है दिल के अंदर रहता है दिल में ईमान रहता है मेरे दोस्तों एक हादिस मैं पेश करूँगा फरमाते हैं और बहुत सा आयत है मैं जल्दी बोल दूँगा ज़्यादा टाइम नहीं है इनकुम वम वालकुमला कींजर लाला वमिकुम रसोल् फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला नहीं देखते तुम्हारे सूरत को और तुम्हारे माल को मगर देखते हैं तुम्हारे दिल को और तुम्हारे अमल को अगर अल्लाह ताला किसी इंसान पर नज़र करता है तो उसके चेहरा को नहीं देखता कितना खूबसूरत चेहरा है अल्लाह के पास चेहरा का कोई कीमत नहीं अरे चेहरा तो अल्लाह ने बनाया चेहरा तो अल्लाह ने बनाया अल्लाह क्या देखेगा बोल के अल्लाह तुम्हारा दिल देखेगा कि तुम्हारा दिल में क्या है अगर मेरे दिल साफ़ है तो अल्लाह को मालूम हो जाएगा अगर मेरे दिल में बुराया है वो भी अल्लाह को मालूम हो जाएगा और अल्लाह क्या देखता है अमल देखते हैं अमल हम जो नमाज़ पढ़ते हैं रोज़ा रखते हैं और ज़िक्र करते हैं और जो अमल करते हैं वो देखते हैं कि ये अमल मेरे लिए करते हैं या लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना अमल कर रहा हो देखो देखो मैं कैसे नमज पढ़ रहा हो देखो ये इसलिए अमल करता है अगर इसलिए अमल करता है उसके अमल का जरा बराबर नेकी नहीं मिलेगा सब तो बर्बाद हो जाएगा रियाकारी करोगे तो कोई नकी नहीं मिलेंगे सब बर्बाद हो जाएगा इसलिए अमल किसके लिए करना चाहिए अल्लाह के लिए करना चाहिए अमल में दो चीज़ होना लाजमी है एक अल्लाह के लिए एखलाज के साथ अमल करो अल्लाह के लिए अमल नंबर दो तरीका मोहम्मद के होना चाहिए साहबा कराम रसूल किस तरीका से अमल किया उस तरीका से करो ना कि तुम दिन में एक नया तरीका निकालो नया तरीका निकाल ने, कर अमल करना यह अल्लाह के पास कबुल नहीं होगा यह हादिस का मतलब यह है ठीक है तो मेरे दोस्तों माया को बोल दिया कि अल्लाह ताला आपके दिल को देखते हैं और अमल को देखते हैं लिहाजा आप जो अमल करोगे वो अमल उसका भी फजीला था उसका भी वजून किया जाता है अल्लाह ताला के अल्लाह ताला वो को वजून करते हैं उजूल करने के बाद एक ही अमल एक ही कतार में इतना आदमी नमाज पढ़ा एक कतार में साठ आदमी नमाज पढ़ा मगर सबको बराबर नहीं मिलेंगे बराबर नहीं मिलेंगे क्यों इसलिए कि इस नमाज में जिसका दिल की खुशू खुशू के साथ ज़्यादा खुशू खुशी के साथ जिसने नमाज पढ़ा उसको ज़्यादा मिलेंगे यानी जो दिल से नमाज पढ़ा ज़्यादा ज़्यादा दिल से दिल लगा कर तो नमाज़ पढ़ा नमाज में कभी भी, भी नज़र इधर उधर हटा नहीं है नमाज में खड़ा हुआ ये सोचा कि अल्लाह तब तम हमको देख रहा है मैं अल्लाह के सामने में खड़ा हूँ और जब सजदा में जाता है ये सोचता है कि अल्लाह मेरे खालिक है मालिक है वह अल शाह आजीम पर मुस्तवी है सब कुछ देख रहा है मैं उसको सजदा कर रहा हूँ इन जैसे मेरा सोच है मैं जब भी रुक में जाता हूँ यही सोचता हूँ क्या अल्लाह ताला मुझे देख रहा है वह आरो शाह पर है और वो मेरा खालिक है मालिक है वो मुझे खिलाने वाला पिलाने वाला है मेरे तमाम तमाम प्रॉब्लम दूर करने वाला है ऐसा सोचता हूँ पर सजदा में भी यही सोचता हूँ ऐसा करके दिल लगा के जो नमाज़ पढ़ेंगे तो उसकी नमाज में आ, वो आदमी जो नमाज में तो खड़ा हुआ लेकिन दिल किदार है सोच किदार है मालूम नहीं ये नमाज़ में है या कहाँ में है बस उठा, उठा बैठा उठा बैठा तो उसका नेकी उस आदमी की तरह मिल सकता है कभी भी नहीं तो मेरे दोस्तों तो दिल का बहुत बड़ा अहमियत है इस्लाम में अगर दिल लगा के इबादत करोगे उसमें बहुत ज़्यादा नेकी मिलेगी सिर्फ नमाज नहीं कुरान तलावत कुरान तलावत किसी ने सिर्फ और कुरान का अल्फाज पढ़ दिया जबानी पढ़ दिया उसकी तलावत और उ, किसी आलम का तलावात या उस आदमी का तलावात जो कुरान के माना जानते हैं कुरान पढ़ते हैं माना जानते हैं और उसकी तो भी करते हैं सोच फिक्र करता है कुर का पर तो आप बोलो ए, इसकी तलावात में और उस आदमी की तलावात में बराबर हो सकता है जो शर्फ पढ़ के जाते हैं उसका माना समझते नहीं कुछ नहीं है बहुत फ़र्क है भाई इसलिए दिल से दिल अमल करना चाहिए दिल का बहुत बड़ा फजीलत है मेरे दोस्तों आप मैं आपके सामने में यह बताऊंगा कि लोगों में सबसे अफजल आदमी कौन है लोगों में सबसे अफजल आदमी कौन है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु को सवाल किया गया आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु लोगों में सबसे सबसे अफजल कौन है आयु नासी अफजल इसका जवाब में रसूल क्या बोला कुल्लु मुखमिल कल्बी असदल्लिस नंबर एक जिसका जबान सच्चा है झूठ नहीं बोलता साज बोलता है वो लोगों में अफजल है और दूसरा क्या है मखमब साहबाला रसुल्लम जबान का सच्चा है वो तो समझ में आ गया ये मखमब क्या होता है तो इसके जवाब में रसुल क्या फरमाते हैं वन तक़ियो लाइस माफी वाला बगिया वाला गिल्ला वाला हसाद यह वो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो जिसका दिल साफ़ हो उसमें ना गुना हो ना जुल्म हो और ना ख्यानत हो और ना हसाद हो यानी हिंसा हो तो जिसका दिल में ये होगा वो आदमी सबसे अफजल आदमी है ये आदमी क्या है किसके पास अल्लाह के पास, अल्ला के पास? अल्लाह के पास और रसुल्लम के पास सबसे आबजार आदमी कौन है जिसमें दो सिफत मिले एक जबान के सच्चे हो जो बात करे सच्ची बात करे छोट ना बोले आठ तीन नंबर और दो क्या है जिसका दिल साफ हो पाक हो किससे फसद से और जुलुम से, इन से। ये इन तमाम चीज़ों से यह तो हो गया आप दिलों में से कौन सा दिल अफजल है ये भी देख लो और फरमात इन्ना तिलिया रसुलरमात के जमीन में अल्लाह का बर्तन है जमीन में अल्लाह तला का बर्तन है।, है और सुनाओ बर्तन क्या है वानिय रबिकुम और तुम्हारे रब का बर्तन है नेक बंदा का दिल जो बाधा नेक है उसका जो दिल है वो दिल अल्लाह का बर्तन हुआ करता है अल्लाह का बर्तन अल्लाह के बर्तन में अल्लाह क्या रखता है अच्छा अच्छा चीज़ रखते हैं ठीक है थीके? तो मेरे दोस्तों इसलिए हमको क्या करना चाहिए दिल को पाक साफ रखना चाहिए और क्या फरमाता है देखिए अल्लाह ताला फरमाता है वब्बो है इलाहा व आ उनमें से सबसे ज़्यादा महबूब दिल वो है जो नरम हो और रक़ीक हो ठीक है दिल तो अल्लाह का बर्तन है और इन दिलों में सबसे अल्लाह के पास सबसे ज़्यादा महबूब दिल कौन है जो नरम हो और जो रक़िक हो पतला हो ठीक है तो अल्लाह ताला नरम दिल वाले को ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और एक बात बता दूँ नरम दिल नरम जमी की तरह होता है नरम जमी में आप जो लगाओगे वही हो जाएगा भाई मगर पत्थर जैसा जमी में कभी कुछ लगाने से होता है नहीं होता है याद रखो जिसका दिल नरम है ना ये अल्लाह तला की तरफ से एक तोहफा है नरम दिल वाले ही अल्लाह की तरफ से नकाम करने का तोहफ़ मिलता है और जिसका दिल अल्लाह ने सख्त कर दिया उसको नया काम करने की तोहफ़ी कभी नहीं मिलता और उसका दिल अल्लाह इसलिए ही सख्त किया कि इसने क्या किया देखिए मैं आप, आपको कुरान से बता देता हूँ कुरान अल्लाह क्या फरमाते हैं फबीबा नम ला हम वजनाबाहम काफ़िया अल्लाह फरमाते है, है कि ये लोग क्या किया अल्लाह के आहत को तोड़ दिया किसके लिए है मालूम है यहूद के लिए है, है? यहूदियों के, के लिए तो अल्लाह ने यहूद के साथ चार वादा किया था कि तुम चार काम करो तुम्हारे लिए हम ये 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 तुमको देंगे वो चार काम किया है नमाज पढ़ो रोजा रखो हज करो और मिशन एक जो बोला अल्लाह ताला एक भी नहीं किया जक़त दो जक़ात देना तो दूर की बात वह इतना वकिल हो गया इतना वकील हो गया एक पैसा भी किसी को देता नहीं है और नमाज पढ़ने की दूर की बात मुंह भी करता नहीं है तो हर आहद को तोड़ दिया उन लोगों ने तो अल्लाह क्या फरमाते मैंने किया ला हूँ फिर मैंने उनको लानत किया है वह जालना गलुबा हो मकासिया और हम उनके दिलों को पत्थर जैसा सख्त कर दिया पत्थर जैसा सख्त कर दिया तो मेरे दोस्तों बात यह है अगर कोई बंदम अल्लाह की फौरज को छोड़ देंगे तो अल्लाह ताला उसकी दिल को पत्थर जैसे सख्त कर देते हैं आप अगर पास वक्त नमाज जो, जो पास जो फौरज है जान बूझ कर छोड़ देंगे एक महीना छोड़ दो अल्लाह की तरफ से आपका दिल सख्त हो जाएगा खैर कोई नक काम का तोहफी नहीं मिलेंगे आपको नक काम की तोहफी नहीं मिलेंगे ये मेरा बात नहीं अल्लाह की अल्लाह की वादा है ये अल्लाह के वादे जैसे मैं इधर में बता देता हूँ ये यहूदी जब अल्लाह के हुक्म को तोड़ा अल्लाह की तमाह महाकाम को छोड़ दिया फिर अल्लाह ताला क्या किया उनकी दिलों को सख्त कर दिया ऐसा सख्त कर दिया अल्लाह फरमाता है इधर में अल्लाह फरमाते हैं देखिए ये दाली क्या पाया कल हिजारा आवास सुवा वाई ना मिना हिजारा दी लामा इतफा अनहार फिर इसके बाद तुम्हारा दिल सख्त हो गया कल हिजारा पाथर जैसा सख्त हो गया किसके बाद ये जो चार आहा तोड़ दिया चार ओंगिका तोड़ दिया तोड़ दिया इसके बाद उनका दिल पत्थर जैसा सख्त हो गया अल्लाह फरमाता है पाथ तुम्हारा दिल तो पत्थर जैसा सख्त हो गया मगर पत्थर का सुनो को सिफा सुनो पात्थरों में से ऐसा पत्थर है या तफा जमीन हला नहार जिससे नहार जारी होता है पत्थर से पानी निकलता है कभी देखा आपने देखा भाई पत्थर से पानी निकलता है भाई फेसबुक अलग का एक नियामत भी है भाई उससे हम बहुत कुछ देखते हैं हम देखा फेसबुक में देखा पाथों से पानी निकल रहा है भाई पाथों से पानी निकल रहा है अल्लाह के आयात इस आयात पर ए, मेरा ज़्यादा ईमान हो गया मैंने कभी सुना नहीं देखा नहीं कि पातर से पानी निकालता कुरान बोलता है मैंने फेसबुक में देखा कि पाथर से पानी निकल रहा है तो देखो वही न मीन आलामा ये ऐसा करो फैमीन और कुछ पाथर फाट जाते हैं कुछ पाथर फाट जाता है फिर उसके अंदर से पानी निकलता है वही ना मीन हालामा यहां तुम इन खर्शिल्ला और कुछ पात्थर क्या होता है अल्लाह के डर से घेर जाता है ऊपर से नीचे घेरता है अल्लाह के डर से आए बोली सहेलो इस बोलने का मतलब यह है अल्लाह ये बोलना चाहते है आए बोली सहेलो तुम्हारा दिल इतना सख्त हो गया लेकिन जो पात्थर है उसको भी अल्लाह का डर है और अल्लाह के डर से नीचे घिर जाता है और उससे पा होने के बावजूद उससे पानी भी निकलता है मगर तुम क्या हो गया हो तुमको ये क्या हो गया कि तुमको अल्लाह का इतना कोई खौफ नहीं है हा? हालाँकि इसराइल अल्लाह तला के सबसे बड़ा मुर्जा देखे हैं बोनसराइल के इतना मुर्जा देखे हैं है? मुसरम के साथ क्या इतना देखा माया के करके बताऊँ तो बहुत हो जाएगा लेकिन इतना मुर्जा देखने के बावजूद ये इतना बदतर इंसान तो है क्या अल्लाह का हुक्म मानने के लिए तैयार तो नहीं थे आज भी आज मुसलमान क्या क्या हालत है मुसलमान में देखो क्या इतना मुसलमान नामज़ नहीं पढ़ते अपना हज करने का हज करने का यह है सलाहियत है फिर भी हज करते नहीं है जक़ात अदा करने का माल है जक़त नहीं देता गरीब आदमी को नहीं देता फैम से बोल जैसे हो गया हम लोग बहुत से फौरत हम जानबूझकर तोड़ते हैं इसलिए आज हमारे दिल भी बोनसराइल जैसा सख्त हो गया है हाँ बहुत से आदमी कोई नाक अमल नहीं करते सारा दिन में अल्लाह को कभी याद किया है अल्लाह के याद आता है कभी नहीं आता तो मेरे दोस्तों बहुत को बोलना है लेकिन आज इतना सबक़ नहीं है بارك الله لنا بالكل هذه ما وياكم بذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم الملك البر الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له बहुत महमद अब्दुल रसुल् मेरा दोस्तों दिल क्यों सख्त होता है इसका कोई कुछ आसबा मैं बताऊंगा और सख्त तो दिल कैसे नरम किया जाएगा उसका भी आसबा मैं बताऊंगा लेकिन आज इतना टाइम नहीं है नंबर एक अल्लाह के जिक्र से एराज अगर कोई आदमी अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ ले तो अल्लाह उसके दिल को क्या कर देता है सख्त कर देता है और परेशानी में डुबा देता है तो हमें अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा तो उसको मैं क्या करूंगा क्या मौत के दिन आंधा करके उठाऊंगा आंधा करके उठाऊंगा यानी उसकी आँख नहीं होगा वो बोलेगा आए अल्लाह दुनिया तो मेरा आँख थे दुनिया में मेरा आँख थे मैं सब कुछ देखता था लेकिन आज क्यों मुझे आंधा करके उठाया अल्लाह फरमाएंगे के तेरे पास मेरा ज़िक्र आया था यानी मेरा शरीत आया था सबको जान जानते थे सुनते थे मगर फिर भी तू क्या किया मेरे शरीय से मुंह मोड़ा इस्लाम के ऊपर अमल नहीं किया ना नाम आज पड़ा ना रोज़ा रखा ना हज किया ना जक़त दिया ना गरीबों को मदद किया कुछ नहीं किया सिर्फ अपना पेट पेट पर करते थे दुनिया में इसलिए मैं तुझे आता करके उठा उठाया तो मेरे दोस्तों তো আল্লাহকে জিকির সে জিকির এসে মতলব দু হই এক জিকির হাই সবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ একবার হাদিস সাবিত হই ও জির হাম কবি করতে থে নাম্বার দু কি আল্লাহকে শহরিয়ত কে করতে স্যফ ও স্যফ নানি আমল করতে থে মুো করতে আগরচে আল্লাহ কোপসন্দ হয় চিজ হামী দেখে हमको अच्छा लगा तो हम करेंगे करेंगे ऐसा करके हम जिंदगी गुजारा मरते दम तक ऐसा किया तो जो आदमी अल्लाह की जिक्र से मुंह मोड़ेंगे उसका दिल क्या हो जाएगा सब तो हो जाएगा किस जगह पर और बहुत बताना था टाइम तो ज़्यादा नहीं है मेरे दोस्तों हम अल्लाह को याद कर, करेंगे मगर सबसे पहले अल्लाह के बारे में हमको जानना पड़ेगा अल्लाह है क्या क्योंकि इस दुनिया में बहुत से आदमी आए अल्लाह के बारे में बहुत आदमियों का बहुत गलत आकदा है कोई बोलता है अल्लाह निराकार है अल्लाह निराकार है यानी उसका कोई कुछ नहीं है कोई जिसम नहीं है मगर कुरान क्या बोलता है देखो मेरे भाई कुरान देखो कुरान अल्लाह फरमाते हैं वह जामयान ख़्जत हो या मल्कि माँ वलमा तो वाह मातो बिया तुम क्या मत के दिन तमाम जमीन तमाम दुनिया अल्लाह के मुठ्ठी में होगा अल्लाह के मुठ्ठी में होगा बस हम तो मत भी है तुम ब्या और सात आसमान लेटते हुए उसके डान हाथ में होगा अल्लाह फरमाते मेरा बात नहीं अल्लाह का बात है अल्लाह के डान हाथ में क्या होगा तमाम सात आसमान लेटे हुए और सात आसमान मालूम है इस दुनिया से इस पहला आसमान की दूरी पाँच साल है रसुल फरमाया पाँच साल तो ये सात आसमान कितना बड़ा होगा कितना ये सात आसमान अल्लाह की ये दाया हाथ में होंगे और सुरा खुद में अल्लाह ताला फरमाते है वसना फूल का बी नहीं ना है नू मेरे आँखों के, कस्त, तो के सामने तो काश् काश्ती तैयार कर आँखों के सामने तो अल्लाह फरमाते है अल्लाह का आँख है अल्लाह का हाथ है और सुरा रहमान में क्या फरमाते है अल्लाह फरमाते है बक़वा हाँ का यह क्या मत के दिन क्या होगा इस दुनिया में जो कुछ है सब बर्बाद हो जाएगा सब ढंग हो जाएगा मगर तुम्हारे रब की चेहरा बाकी रहेगा अल्लाह फरमाता तुम्हारे रब की चेहरा तो अल्लाह फरमाता चेहरा है आग बोला पा बोला अरे कलम में अल्लाह क्या फरमाता है या फू याओ मा याफु तो इला इलासुद्दीन पा अल्लाह फरमाते है कि आमोद के दिन अल्लाह क्या करेंगे आपने पिंडी ली आपने पिंडी ली पायर घुसा क्या करेगा अल्लाह खुल देगा लोगों के सामने में पाया खोल देगा और क्या बोलेगा और अल्लाह पुकारेगा कि इसको सजदा करो तो आदमी क्या करेगा सजदा नहीं कर पाएंगे क्योंकि दुनिया में जो हमने अल्लाह अल्ला को सजद नहीं किया इसलिए उस दिन के दिन हमसे आमतिनसे नहीं होगा तो अल्लाह ताला अपनी ज़ात के बारे में ऐसा बोल रहा है और हम क्या बोलते हैं अल्लाह का जिसम नहीं है और कुरान को मानो कुरान पर क्यों ये ईमान ये, ये नहीं है तुम लोगों को कुरान बोलता है ऐसा बात आप हादिसे सुन लो रसूल तो फोन मतलब के बारे में एक आदमी आके बोलता है ए अल्लाह के रसूल का रसोसम ऐ तमाम जानवर मर रहा है बादशा भी रहा है किसी को खाना नहीं मिल रहा है पानी ने पानी नहीं इसलिए आप अल्लाह से दुआ कीजिए पानी हो जाए हम अल्लाह को आपके लिए सिफारिश मांगते हैं और आपको अल्लाह तो के लिए सिफारिश मांगते हैं जब ऐसा बात बोल दिया अल्लाह सलाम ने बोले अल्लाह हो एक बार अल्लाह से डरो क्या बोल रहे हो तुम ये अल्लाह 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 को हम अल्लाह से सिफारिश मांगे क्या लेकिन अल्लाह हमको सिफारिश कर हम हमारे पास सिफारिश कर गए ऐसे कैसा कैसा बात बोल दिया तुम जानते हो अल्लाह किया है अल्लाह कहा है अल्लाह रसूल सल्लम फरमाते है कि अल्लाह ताला ऐसे आरस पर मुस्त है अल्लाह के भार से वो आरस ऐसे आवाज़ करते हैं जैसे एक उठ के हौदा जब चलते हैं आदमी उठ के हौदा में बैठ बैठे हुए तो कैचर कैचर आवाज़ करते है ऐसे ही अल्लाह की भार से आरस ऐसे आवाज़ कर रहा है मेरे दोस्तों अब बात यह है अगर अल्लाह निराकार है उसका जिसम नहीं है तो उसका भार से आरस क्यों ऐसे आवाज़ करते हैं और एक हादीत बता दूँ वो हादीत है, है बुखारी में है ना है कहना फरमाते है ये अल्लाह अल्लासोलोल्लम क्या क्या मौत के दिन हम अल्लाह को अपने आँखों से देखेंगे तो अल्लाह रसूल फरमाते है ए, ए उल्टा सवाल क्या अच्छा तुम बताओ अगर आसमान में आबर नहीं है बादल बादल नहीं है तो तुम सूरज को देख सकते हो यार्ल्लम हाँ अगर आसमान साफ है आबोर नहीं है बादल नहीं है तो हम सूरज को अच्छा तौर दे सकते हैं अल्लाह के रसुल और मैया तुम क्या मत के दिन ठीक इसी तरह देखोगे जैसे आसमान आसमान में चांद को देखते हो सूरज को देखते हो अल्लाह को भी ऐसा देखोगे अब बात यह है कि अल्लाह के अगर वजूद ना हो तो कैसा देखेगा वजूद है अल्लाह का वो जो बोलता है जिसम नहीं है अल्लाह निराकार है बिल्कुल झूठ है साहबा कराम अल्लाह के रसोलम को सवाल क्या ये मुस्लिम के हादस है जब अल्लाह के रसूल मेहर से आया तो सवाल किया आए अल्लाह के रसूल रसूलम आपने अल्लाह ताला को आपने आंखों से देखा है क्या बार भैया कैफ़ अंजरू हुआ नूर माए कैसे देख सकता अल्लाह को वो तो नूर है वो नूर है हम कैसे देख सकते हैं तो मेरे दोस्तों बात यह है कि अल्लाह और एक अब अल्लाह का इतना बड़ा भी, भी बोल दूँ आप और गहफर रतलानू रसूल को फर, बोलता है आए अल्लाह आए अल्लाह के रसूलम आप थोड़ा या आरश के बारे में और कुर्सी के बारे में बताइए जब जब आयत, आयतुल कुर्सी आयतु नाजिल हुआ तो अभी सवाल किया तो अल्लाह के क्या फरमाते मालूम है अल्लाह का जो कुर्सी है वो जानते कितना बड़ा है एक बहुत बड़ा मैदान है उस मैदान में एक ऐसा एक अंगूठी रख दो तो वो अंगूठी क्या है सात आसमान सात जमीन और अल्लाह का